निकलो जी बटन एंड आई एम शिफ्ट गाइस, ये वीडियो काफी टाइम के बाद आ रही है क्योंकि ये मैं थोड़ी प्लानिंग कर रहा था थोड़े अच्छे और नए कंटेंट्स लाने के लिए। तो अब जो है मेरे पास काफी अच्छे आपके लिए फ्यूचर कंटेंट्स होंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो का टाइटल बताने से पहले, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमने जो है एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, #GS, यानी कि GS का मतलब है गेमिंग सेक्शन। अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नई डिवाइस नहीं था जिसकी मदद से मैं एक नया चैनल बना सकता अबाउट गेमिंग, तो मैंने इसी चैनल पे जो है कुछ नया ट्राई किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए और उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब बताते हैं आपको टाइटल अपनी वीडियो को। तो हमारी वीडियो का आज का टाइटल जो है वो आपको यहाँ पे अभी लिखा हुआ आ रहा होगा ऊपर कि हमारे आज की वीडियो का टाइटल है Xbox One X vs PS4 Pro। अब आप सोच रहे होंगे यार टेक्नोलॉजी एडवाइस बटन यार ये कैसी वीडियो ला रहा है, तो काफी अच्छी वीडियो होने वाली है, लास्ट तक वॉच करना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइस PS4 Pro 4K HDR का आपको देखने को मिल जाता है 40,045 rupees on Amazon, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है इस टाइम। दोस्तों ये जो है काफी सही प्राइस है इस टाइम PS4 का। बट अगर आप यहीं ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन से लेते हैं, लाइक चांदनी चौक, पालिका बाजार, गफार मार्केट, तो इसमें आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको अभी थोड़े टाइम पहले पालिका बाजार में 33,000 rupees का डिवाइस मिला था PS4 Pro 1TB HDR विदाउट वारंटी। पर दोस्तों अगर आप विदाउट वारंटी लेना चाहते हो तो काफी अच्छी मार्केट से है, वहां से भी आप ट्राई कर सकते हो, 7-8,000 rupees का आपको वहां पे एडजस्टमेंट मिल जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं Xbox One X के प्राइस। उसमें आपको Xbox One X मिलेगा 40,995 rupees का Amazon.in पे इंडिया की। दोस्तों मैं लिंक आपको सभी प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लाइक PS4 Pro उसमें एक व्हाइट कलर का एडिशन भी है उसका भी डाल दूंगा, एंड आपको Xbox One X है उसका भी आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। दोस्तों Xbox One X काफ़ी अच्छा डिवाइस है जो कि लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और यहाँ पे PS4 Pro भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है जो कि लॉन्च किया गया है सोनी के द्वारा। तो आइए हमने प्राइस की बातें तो कर ही ली है, आगे आपको और भी GPU CPU वगैरह के बारे में बताते हैं PS4 Pro और Xbox One X के बारे में। तो सबसे पहले प्रोसेसर और रैम की PS4 Pro में बात कर लेते हैं। तो PS4 Pro की जो रैम है वो है 8GB की रैम, और यहाँ पर जो आपको इसका वो मिलता है प्रो, तो वो है गाइस जैगुआर का 8 cores का। यहाँ बात कर लेते हैं Xbox One X की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, तो बात कर लेते हैं Xbox One X की रैम की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 12GB की GDDRS की रैम। इसके में आपको प्रोसेसर का नहीं बता रखा है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया प्रोसेसर। दोस्तों जो रैम है उसमें थोड़ा सा आगे निकलता है Xbox One X, एंड प्राइस में थोड़ा सा हाई रेंज पे है, लाइक अराउंड 800 rupees की हाई रेंज पे है, ज़्यादा तो नहीं है। बट अगर आप लेना चाहते हो तो अगर आप देखते हो रैम्स को तो Xbox One X को यहाँ पर मैं देता हूँ 1 point। दोस्तों बात करते हैं PS4 Pro के GPU की, तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है AMD Radeon Polaris GPU, और गाइस यही हमें देखने को मिल जाता है Xbox One X में 6 points of graphics। दोस्तों इसमें जो है हमें GPU में graphics अच्छे देखने को मिलते हैं Xbox One X में PS4 से, क्योंकि गाइस PS4 में तो बोला जाता है कि यार आपका PS4 4K है, बट यहाँ पे सेम टू सेम बोला जाता है Xbox में कि आपका Xbox One X 4K है। तो अब कौन सा 4K है, आपको GPU में मतलब बिल्कुल बैलेंस में यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारी वाला है वो है Xbox One X, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 2 points Xbox One X को। फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ लुक्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं PS4 Pro की, तो वो जो लुक्स है उसकी वो है कुछ इस तरीके की। दोस्तों आपने PS4 Pro की जो लुक्स है वो तो जरूर देख ली होगी। अब जो मैं आपको अगली लुक्स दिखाने जा रहा हूँ, मतलब ओवरव्यू टाइप्स, वो गाइस आपको देखने को मिल जाएगी Xbox One X की। दोस्तों बात कर लेते हैं जो डिवाइस है उसके ओवरव्यू की। हमने तो पहले अभी बात करी है बॉक्स के ओवरव्यू की, तो अब बात कर लेते हैं डिवाइस की, क्योंकि हमने ओवरव्यू की बात कर ली है बॉक्स के।
तो दो डिवाइस का ओवरव्यू है, मैं आपको दो तीन फोटोज दिखाऊंगा, दो तीन। पहले सबसे पहले हम देखेंगे PS4 Pro की, फिर हम देखेंगे Xbox One X की। दोस्तों हमने दोनों की जो इमेजेस है वो देख ली है, मैंने आपको बोल के भी समझाया कि ये Xbox One X है, ये PS4 Pro है। तो दोस्तों इसमें जो है यार मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है PS4 Pro, क्योंकि उसमें जो है आपको काफ़ी मतलब प्रोनेस दिखती है उसमें आपको। बट जो आपका Xbox One X है वो सिमिलर है कुछ ऐसे Xbox 360 से, Xbox One से, Xbox One S स्कॉर्पियो से, एंड मतलब इनसे काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट थोड़ा ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक में दे रखा है, तो उस वजह से यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है PS4 Pro। दोस्तों बात कर लेते हैं विच इज विनर। तो दोस्तों इसमें दोनों ही अपनी अपनी जगह पे विनर हैं, जो क्योंकि Xbox One X है उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं अल्ट्रा HD ब्लूरे प्लेबैक, जो आपको PS4 Pro में नहीं देखने को मिलता है। बट यहीं पे PlayStation ने प्रो ने एक ऐसी चीज निकाली है जो आज तक कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर नहीं निकल पाया, कोई भी कंसोल नहीं निकल पाया, कोई भी डिवाइस नहीं निकल पाया, वो है वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR। दोस्तों आपको पता है कि VR PSVR लॉन्च हो चुका है, बट यहाँ पे Xbox VR लॉन्च नहीं हुआ है, तो इस वजह से यार हाफ मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे PS4 Pro को, तो यहाँ पे PS4 Pro जो है वो आ जाता है 2 मार्क्स पे। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरेज की, आई नो कि आप में से कईयों को पता है स्टोरेज की कितनी है Xbox One X और PS4 Pro में, बट मेरा फर्ज है आपको बताना है, आपको एक्सप्लेन करना। तो दोनों में आपको 1 TB तक की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं कुछ कनेक्टिविटीज की, यूजर्स की, जो कि आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। जो भी अच्छा कंसोल इसमें लगेगा मुझे उसको मैं दूंगा 2 मार्क्स, और जो टेस्ट था ये था 4 मार्क्स का टेस्ट, तो इस वजह जो है आपको मतलब कंसोल को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, 4 मार्क्स का जो टेस्ट है ये है PS4 Pro और Xbox One X के बीच में। अब जो इस लड़ाई में जीतेगा उसको मिलेंगे 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, दोनों ही दो जो हैं वो 2 मार्क्स के टाई पर हैं। अब आपको दिखाता हूँ कौन सा ज़्यादा बेहतर कंसोल है। बात कर लेते हैं इजीली यूज़ की, तो यार इजीली इंटरनल जो घुसने का है वो मेरे को लगता है PlayStation का, तो यहाँ पे PlayStation आगे काफ़ी आ जाता है, क्योंकि Xbox में काफ़ी मतलब भरा भरा एक लाइक इधर भी कुछ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी आइकन, इधर भी आइकन है, इधर भी है, मतलब पूरा वो स्क्रीन जो है ग्रीन कलर में फिल रहता है। चाहे कोई सा भी आप एक्सबॉक्स ले लीजिए, बट ऐसा PS4 में नहीं है, ऐसा PS4 में नहीं है। PS4 जो है काफ़ी नीट डिवाइस है अंदर से भी और बाहर से भी। ये सब बात कर लेते हैं मॉडल्स की, तो मैं आपको गिनाऊंगा कि कितने कितने मॉडल्स किस किस ने निकाले हैं, कितने कितने मतलब ज़्यादा सेल किसकी हुई है। तो सबसे वाला जो PlayStation का मॉडल था वो था PS यानी कि PlayStation, जिसकी जो सेल थी यानी कि 1990s में काफ़ी हद तक बहुत हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर नॉर्मल से गेम्स आते थे कुछ हैंडी हैंडी करके, तो ये PlayStation की सेल बहुत हुई थी। फिर आया Xbox, Xbox जो है वो 2000s में आया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और जो PlayStation था वो सोनी के द्वारा आया था। तो दोस्तों Xbox की इतनी सेल नहीं हुई जितनी उसके बाद आने वाले मॉडल 360 यानी कि Xbox 360 की हुई। उसी के साथ जो है मतलब उससे थोड़ा टाइम पहले निकला था PS2। PS2 की आज तक जितनी भी सेल हुई है उससे ज़्यादा किसी भी कंसोल की सेल नहीं हुई है, तो हैट्स ऑफ टू PS2। एंड आगे मैं आपको एक इमेज दिखाने जा रहा हूँ PS2 की है वो। दोस्तों PS2 की आपने इमेज देख ली है, जो कि मोस्ट सेल्ड जो है डिवाइस है अब तक का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो Xbox 360 के हमारे हमेशा कंपैरिजन में रहा है वो है PlayStation 3। PlayStation 3 तीन मॉडल्स में आया, PlayStation 3, PlayStation 3 Slim, PlayStation 3 Super Slim। बहुत से लोग हैं जिनके पास PlayStation 3 Slim है, बट जो अभी तक टॉप पे है वो है नॉर्मल वाला PlayStation 3। दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस था PlayStation 3, मैं खुद ही उसको कंसोल को यूज़ करता हूँ PlayStation 3 को, ग्राफिक्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा था। बट अब जो है नए नए गेम्स PS3 में नहीं निकल रहे हैं, ना फीफा, ना WWE, ना कोई। दोस्तों फिर आए कुछ महारथी इस गेम में 2013 में, Xbox One और PS4।
अब दोस्तों इनके बाद जो इनमें बैटल हुई उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी, और उतनी भयंकर बैटल कभी भी मैंने कॉन्सोल्स के बीच में नहीं देखी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भेड़ चाल हुआ, कौन का ले रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट कोई सोनी, कोई माइक्रोसॉफ्ट कोई सोनी, कोई माइक्रोसॉफ्ट कोई सोनी, मतलब कोई यार माइक्रोसॉफ्ट के फ़ैन है, कोई यहाँ पर सोनी के फ़ैन है। अब मेरे को पता है कि कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट के जो फ़ैन है वो मेरे को गालियाँ लिखेंगे, सोनी के जो फ़ैन है वो मेरे को गालियाँ लिखेंगे, क्योंकि किसी पॉइंट्स पर माइक्रोसॉफ्ट ऊपर है, किसी पॉइंट्स पर PS4 प्रो ऊपर है। बट दोस्तों यार गाली मत लिखना, ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस थे, इंटरनेट के ओपिनियंस थे एंड न्यूज़ के ओपिनियंस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं।